हेलो। हेलो, वालेकुम हाँ तो भाई, सलाम। खैरियत? मैं फसल बोल रहा हूँ, आपका भाई। हाँ फजल भाई, तो खैरियत आपके जी बताएं। हाँ दिन बिल्कुल। हमने बहुत टाइम से आपकी जुबान नहीं सुना। आपको मैंने बहुत बार कॉल नहीं करी, आपने फोन नहीं उठा था। भाई हो सकता है बिजी हो, हाँ बिजी, मुकल्लिफ इसीलिए पीछा था। नहीं छोड़ते हैं तो कहाँ से किसका फोन उठाएं। बात बात सही यही है आपकी। शिकायत हमारे मैं भाइयों की है कि आप मतलब 24 घंटा बरेली देवबंदी कादियानी से बात करते रहते हैं, अपने भाइयों से बात ही नहीं करते हैं, हाँ, ये फुर्सत ही नहीं भूलते। अभी बरेली में रहता हूँ, और बरेली में LSD जामा मस्जिद है, सोसाइट अच्छा होटल है, अच्छा 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 वहां से ताल्लुक रखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी। फरमाए हमारे लायक कोई खिदमत। हाँ, आपके लिए खिदमत है। वो एक मैंने मैसेज भेजा था आपको, हाँ असल में यार मैसेज भाई वो मेरे में लोगों ओपन नहीं हो रहा है, तभी मैंने उसका जवाब क्या था उसमें खाली इतना मतलब वो आया समझ में, कजाए उमरी क्या मतलब नमाज कजा हो जाए। की तरफ से। हाँ, बस यही चीज है, कढ़ाई उम्र क्या नाम है, खड़ा हो जाए तो उसमें लिखा हुआ है। ज्यादा कुछ मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं आता है, थोड़ा बहुत अल्लाह के करम से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जी जी हाँ, अलहमदुलिल्लाह। ऐसा है कि कदा नमाज अदा करने का मौका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्स की नमाज कदा हुई हो और कदा मालूम ना हो, तो वो रमजान के आखिरी जुमे के दिन 4 रकात नफिल एक सलाम के साथ इस तरह पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा, असल कुर्सी 7 बार, सूरह 15 बार पढ़े। अगर 700 साल की नमाजें कजा हुई हो तो इसके सफारा के लिए ये नमाज काफी है। ये मैसेज अभी से सेंड करो, करना ये है, ऐसी हाँ कुछ। मतलब ये एक मैसेज आपको मतलब किसी ने हाँ भेजा है व्हाट्सएप पे हाँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी नमाजें छूट गई हो कजा हो गई हो तो वो जी मतलब रमजान की किसी रात को 4 रकात ऐसा पढ़ ले, या मतलब वो रमजान का देखिए जो देखिए आखिरी देखिए होगा जुम्मा, आमतौर पर उसको बोलते हैं अलविदा। अब अलविदा मतलब काहे के लिए बोलते हैं, इसके पीछे एक मतलब भाई वो लॉजिक है कि रमजान जा रहा होता है तो आखिरी जुम्मा आता है, रमजान को हम अलविदा करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, और अंदर अंदर भाई हम खुश होते हैं कि हाँ चलो भैया अब रमजान जा रहा है, अब फिर से वही आराम अलविदा। से ऐश करना है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया अलविदा। खैर हमारे लिए भी अलविदा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बताओ रमजान जा रहा है उसको अलविदा कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह जो भी मेरे में रमजान में जो हमने प्रैक्टिस की है उसको तमाम साल भाई उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, तो जो इंसान मेरे पे तमाम साल अपने ऊपर अप्लाई करता है अलविदा उसके लिए आता ही नहीं है। जी, सही बात है। तो ये नमाज का जो तरीका, जो ये मखसूस मतलब जिन भाई ने आपको पोस्ट में भेजा है कि मतलब वो जुमे वाले दिन 4 रकात पढ़े उसमें ऐसा ऐसा पढ़े भाई, ये किसी भी कुरान की आयत या किसी भी अल्लाह के नबी की भाई वो हदीस से अभी साबित नहीं है। नहीं, साबित नहीं है। मैंने कंफर्म करना चाहा, उनके नबी करीम देखिए जो नमाज सल्लल्लाहु आपकी छूट जाती है उसकी कजा अलैहि वसल्लम होती है, और जो नमाज भाई छूट छोड़ दी जाती है उसकी कोई कजा नहीं होती है, वो नमाज जाती आपकी मर जाती है, डेड हो जाती है। है, कोई कजा आप समझ रहे हैं? नहीं, जानबूझ के यानी कि छोड़ने वाली, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, जानबूझ अजान हो गई असर की और मैं के बैठा छोड़ने हुआ सोच रहा हूँ छोड़ो यार बाद में पढ़ेंगे, तो ये वाली। नमाज ओके को ओके, मैंने मार दिया, अपनी खुद की बात नमाज को मैंने मार दिया। ही अब जो एक मार बार मर गई वो जिंदा नहीं हो सकती, वो भी लेकिन नहीं है। अगर मैं कहीं रास्ते में हूँ या कहीं मेरे भाई फंस गया हूँ, कुछ आफत आ गई, मुसीबत आ गई, एकदम हंगामे में भाई मैं अटक गया हूँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला और मेरी
असर की नमाज छूट गई और असर का वक्त मतलब जो उसका वक्त था टाइम था भाई वो भी बीत गया, तो उसकी कजा है जो नमाज छूट जाती है उसकी कजा है, और जो नमाज छोड़ दी जाती है उसकी कोई कजा नहीं है। तो जो ये भाई ने आपको पोस्ट भेजा है वो तो मतलब दावत दे रहे हैं कि हाँ साल भर आराम से नमाज छोड़ते रहो छोड़ते रहो छोड़ते रहो, और रमजान में अलविदे वाले 3-4 रकात पढ़ लो तमाम पूरी छूटी हुई नमाज कंप्लीट, वो भी एक एक वक्त की नहीं 5 वक्त की नमाज आप छोड़ते जाइए, और आराम से रमजान वाले आखिरी जुम्मे वाले दिन आप उसको आराम से पढ़ लीजिए। तो इतना आसान भाई दीन आसान है माना, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि अपनी मनमानी आदमी कर ले। सही बात बिल्कुल सही। नहीं तो हंसी आती है लोगों को, पर ये नहीं इसका मतलब भाई जो हमारे भाई जो प्यारे सहाबा इकराम थे बेचारे जंग में लड़ रहे हैं, तो जंग के अंदर भी नमाज पढ़ रहे हैं, आधे लोग दुश्मनों से फाइट कर रहे हैं, आधे लोग अपना जमात बना के नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या वो लोग माज अल्लाह क्या मतलब क्या उनको नहीं मालूम था? वो भी सोचते कि फालतू में काय के लिए नमाज पढ़ना, छोड़ो नमाज, यहाँ तो जंग हो रही है, हम तो इस्लाम के लिए भाई मतलब वो लड़ रहे हैं मर रहे हैं कट रहे हैं, छोड़ो नमाज, देखा जाएगा रमजान में आखिरी जुम्मा आएगा पढ़ लेंगे 4 रकात। नमाजों के लिए सहाबा को परेशान किया जा रहा है, लोग भाई चोरी छुपे नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है वो टाइम ऐसा था कि नमाज पढ़ते हुए अगर किसी को देख ले तो मारकाट हो जाए, उस टाइम भी सहाबा लोग भाई को नमाज पढ़ रहे हैं, कभी सहाबा ने भाई नहीं कहा कि अरे अभी नमाज छोड़ो जब इस्लाम पूरा मतलब गलबा पाएगा तब नमाज पढ़ेंगे, अभी छोड़ो पूरा साल रमजान में आखिरी जुम्मे वाले दिन देखेंगे, तो ये कोई अकीदा थोड़ी ना है। जी सही बात है, क्या ये अकीदा बहुत और इसको लोगों ने आम तौर पे भाई इसका नाम रखा है वो कजाए उम्री, यानी कि उम्र भर की जितनी छूटी हुई नमाज है, एक साल दो साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल आप नमाज ना पढ़िए, बस या तो मेरे भाई शबे बारात की रात को या तो शबे मेराज की रात को। अब ये तीसरा मैसेज आपके पास आया है कि रमजान के आखिरी जुमे को बस आप 4 रकात पढ़ लीजिए, आपकी तमाम उम्र भर की छूटी हुई नमाज वो सब की सब पूरी हो गई, अब अगले साल देखा जाएगा, इस साल और छोड़ो अगले साल अगर बचेंगे तो रमजान में पढ़ ली जाएगी वरना बात खत्म। ये देखिए साफ का साल की वो भी साल की किसे देखिए, अब साल की नमाज माफ हो जाएगी पूरी हो जाएगी सदा 700 साल की 700 साल है 700। अगर 700 साल तो इंसान मेरे भाई जीता भी नहीं है तो उसकी नमाज कहाँ से छूटेगी, और जब नमाज छूटेगी नहीं तो वो 700 साल की नमाज कहाँ से पूरी कर लेगा, वो भी एक दिन 4 रकात पढ़ के। एक दिन 4 रकात करके कितनी कितनी गुमराही फैला रहे हैं लोग, कैसे रोकेंगे ये लोग भाई? असल में गुमराही फैला नहीं रहे हैं ये सब, ये किसी मुस्लिम का काम तो लगता नहीं है। ठीक ऐसे लग रहा है मुझे ये किसी इस्लाम के दुश्मन का नाम भाई मतलब काम लगता है, जो लोगों को चाहता है कि नमाज वो लोग ना पढ़े, उनका जो अकीदा हो खराब हो। ठीक नमाज अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज 5 वक्त की हमारे ऊपर फर्ज है, वो पढ़ना ही पढ़ना है, सफर में भी है तो भी पढ़ना है, लेकिन उसकी रकातों की जो तादाद है वो कम हो जाएगी, उसको मिला सकते हैं जमा कर सकते हैं कसर कर सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पे मामला ये है कि आप पूरा साल छोड़ दीजिए, रमजान के आखिरी जुम्मे वाले दिन 4 रकात पढ़ लीजिए, तमाम उम्र की आपकी नमाज कंप्लीट। तो भाई ये धोखा है, मक्कारी है, दजल है, इसका हकीकत से वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मैं आपसे बहुत बहुत मेरा दिल खुश होता है जब आपकी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, आज तक पहली बार मेरी बात हुई आपसे, मुझे बहुत खुशी मिल रही है आपसे बात करके। तमाम तारीफ करना चाहिए। पहले बचपन में एक नाटक आता था टीवी पे सोनी पे, उसका नाम था आहट, वो मुझे बहुत पसंद था, मतलब वो भूतिया नाटक था, तो बचपन से मतलब ये भूत प्रेत मतलब इस टाइप के जो मतलब जो आते थे सीरियल और फिल्में तो मैं बहुत देखता था। ठीक है मुझे ये मतलब ये मारधाड़ और ये कॉमेडी से ज्यादा अच्छी लगती थी, जो ये मतलब जो भूतिया पिक्चर होती है हॉरर पिक्चर वो हमको देखने में मैं मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें एक लाइन आती थी सीरियल स्टार्ट होने से पहले कि मतलब ये
इस सीरियल या इस फिल्म के जितने पात्र हैं वो काल्पनिक हैं काल्पनिक हैं और इनका मतलब ये वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, सच्ची घटना। तो यही बात अभी हमको याद आ गई कि जिसने भी भाई ये मैसेज भेजा है कि पूरे साल की नमाज छूट गई हो, सारी जिंदगी की नमाज छूट गई हो, रमजान के आखिरी जुम्मे वाले पढ़ लो, तो मेरे को यही बात भाई अभी माइंड में आ गई कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। सही बात है, मैंने जब ही पूछना था, मैंने ये सवाल में दिख गया था, ऐसा तो हो नहीं सकता और है तो मैं अपने दीनी भाइयों से पता करूँ। देखिए ये उनके लिए है ये मैसेज, खाली वो लोग मतलब इसको मान लेंगे सच, जो लोग बेचारे मतलब बहाना ढूंढते नमाज ना पढ़ने का। अब हमारे माशरे में जो माँ पेट से मुसलमान पैदा हुए हैं उनमें तीन टाइप के लोग होते हैं जो नमाज को उनके हिसाब से क्या है, पहले तो कहते हैं भाई नमाज हम अल्लाह के लिए भाई हम पढ़ते हैं ना, तो हम अल्लाह ताला के सामने बता देंगे कि अल्लाह ताला हम तुझको मानते थे लेकिन नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था, तो पहले तो हो गए एक लोग ये हो गए। दूसरे टाइप के लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई वो नमाज तो वो पढ़ते हैं जो ज्यादा मेरे भाई मतलब भाई वो गुनाह करते हैं, तो हम गुनहगार थोड़ी ना है भाई, हदीस में आता है कि नमाज जब इंसान पढ़ता है तो उसके जो गुनाह होते हैं झड़ते हैं कम होते हैं, तो हम तो गुनाह ही नहीं करते तो हम फालतू में नमाज काहे के लिए पढ़े, तो ये हो गए दूसरे टाइप के लोग। और तीसरे टाइप के लोग हो गए वो ये खाली पढ़ेंगे जुम्मे की, ईद बकरीद की या तो मैयत की, बस उनको पांच वक्त की नमाज मेरे भाई उनको हजम नहीं है। तो ये तीन टाइप के लोग ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक हैं। पहले तो वो जो कहते हैं अल्लाह की इबादत ही करना है तो हम अल्लाह के साथ मतलब ईमानदारी करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को भाई हम शरीक नहीं करेंगे लेकिन नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरे टाइप के लोग वो हैं हम नमाज क्यों पढ़े भाई, नमाज तो वो पढ़ते हैं जो ज्यादा मेरे भाई गुनाह करते हैं, हम तो गुनाह ही नहीं करते। और तीसरे टाइप के लोग हाँ भाई नमाज हम पढ़ते हैं भाई, देखो बराबर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं और किसी का इंतकाल होता है तो मेरे भाई जाके जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। तो ये तीनों टाइप के लोग अशद दर्जे के जाहिल हैं, उनको खाना भी खाली उनको जुम्मे वाले दिन देना चाहिए, ईद बकरीद वाले दिन देना चाहिए और जब किसी का इंतकाल हो जाए तब उसको भाई उसको खाना पानी देना चाहिए, बाकी टाइम उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए। अब आपसे एक सवाल और था मेरा जी, बताइए। मैं कलाम पाक नहीं पढ़ा हुआ हूँ तो मैं सुन सुन के कमजोर वो है एक आपका तफहीमुल कुरान, आपने सुना होगा तफहीमुल कुरान जो है वो मैं सुनता हूँ, जो ऑडियो में आता है MP3 में, हाँ MP3 में वो मैं सुनता हूँ, तो उसका सवाल हमें मिलता होगा या नहीं? देखिए अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको पढ़ना ना आता हो ठीक है, और तो भाई उसके पर मजबूरी है, अब या तो भाई वो दो काम करे कि कम से कम अल्लाह सुबहानो ताला ने जो कलाम को भेजा है उसको पढ़ना भाई सीखे, लेकिन अब उसका भाई जो उम्र है या दिमाग है या जहन है इस काबिल भाई वो नहीं है कि भाई वो पढ़ना सीख पाए, तो वो तो भाई वो कम से कम भाई उसको सुन ले, आप समझ रहे हैं? अब जैसे कि नाबीना है, अब नाबीना जो अंधा है अब वो भाई पढ़ तो पाएगा नहीं, अब जाहिर सी बात है उसके पास एक ही रास्ता है कि हाँ भाई वो सुने उसको याद करे सुन के उसको समझे। तो उसी तरीके से अगर कोई बेचारा अनपढ़ है ठीक है उसको नहीं आता है पढ़ना लिखना तो वो अरबी की जो आयत है उसको सुने और उसके बाद जो उसका तर्जुमा होता है उसको सुने और उसको समझने की भाई वो कोशिश करे हाँ। तो पढ़ना जरूरी है। हदीस में तो आता है कि जो भी भाई अल्लाह के कलाम को पढ़ता है तो हर एक जो अल्फाबेट होता है हुर्फ होता है उस पर अल्लाह सुबहान व तआला 10 नेकिया देता है, जैसे अलिफ लाम मीम, तो ये अलिफ पे 10 नेकी, लाम पे 10 नेकी और मीम पे 10 नेकी, तो ये पढ़ने पे आ रहा है सवाब।
अब सुनने का मामला क्या है, अब अगर आप कहीं सुन रहे हो उसको अलिफ लाम मीम जालिका, ठीक, अगर इसको आप भाई सुन रहे हो तो सुनने का भाई सवाब है कि नहीं, अल्लाह वालम, अल्लाह को, हाँ भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन वाकई अगर आपकी नियत ये है कि यार मेरे को भाई मैं पढ़ नहीं सकता हूँ देख के, तो अगर आप सुन के आपने उसको मतलब भाई वो एकदम अपने दिमाग में बैठा लिया, याद कर लिया है, और उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हैं अलिफ लाम मीम, तो इंशाल्लाह आपको उतना ही मिलेगा सवाब, उतना ही मिलेगा। आई बात समझ में? तो आराम से मोबाइल में आप देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जो भाई जो ये मोबाइल है इसमें मेरे भाई कुरान को ना रखो, क्यों? क्योंकि ये मोबाइल है, पता नहीं इंसान गंदे हाथों से भी छू रहा है, कभी कदार वो नापाक हो जाता है तब भी छू रहा है, टॉयलेट जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, और मतलब कहीं गंदी जगह जा रहा है तो वहां भी उसके साथ भाई वो जा रहा है उसका मोबाइल, तो फोन में भाई कुरान को ना रखो। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे भाई 420 है, लोगों को उम्मत को मेरे भाई अल्लाह के कलाम से दूर करने की एक साजिश है भाई। अपने फोन में गाना, पिक्चर, मूवी, कार्टून, वीडियो सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग, ये सब आदमी एकदम भाई आराम से रख रहा है, तो उसपे कोई दिक्कत नहीं उसको, बस अल्लाह का कलाम ना रखे। क्यों? अरे भाई मेरे फोन में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इतनी मेरे भाई किताबें हैं, इतने स्कैन हैं, इतने तर्जुमे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने साथ ही रखता हूँ भाई। मैं टॉयलेट भी जाता हूँ, बाथरूम भी जाता हूँ, घर पे भी रहता हूँ, ऑफिस में भी रहता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, मस्जिद में भी रहता हूँ, लेकिन क्या है इसकी हुरमत नहीं है। जो जो अल्लाह का कलाम जो किताबी शक्ल में है उसकी जो हुरमत है वो अलग है, जो हम लोग के फोन में कुरान है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो हाँ वो मतलब भाई जो किताबी शक्ल की जो हुरमत होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भाई उसकी नहीं होती है। अब तो ये एक ऐप है ना, एप्लीकेशन है, हाँ टॉयलेट में बैठ के अगर आप कुरान को खोल के पढ़ रहे हैं तब तो ये आपके अकल की कमी है, अकल की कमी है, गुनाह है वो। अब जैसे मैं इनसे कहता हूँ कि आपके जो हाफिज कुरान है उनको तो पूरा कुरान याद है, तो क्या भाई वो जाते नहीं है टॉयलेट में? नहीं होता वो, क्या जाते नहीं है? अरे आदत पूरा भी नहीं, कुछ तो आयते याद है हमें, सभी जो है ज्यादातर तो वो भी है। जैसे एक हाफिज कुरान है उसके दिल में कुरान का इल्म महफूज है, जी जी, वो कुरान की इल्म उसका भाई वो दिल और दिमाग में तो मौजूद है, फिट है, उसको सब याद है, तब भी भाई वो टॉयलेट में जाता है, लैट्रिन करता है, बाथरूम करता है, पेशाब करता है, पखाना करता है ना, उसी तरीके से ये फोन भी है, फोन के अंदर भी जो कुरान का जो इल्म है वो मौजूद है, हम कभी भी फोन को खोल के देख सकते हैं कौन सी आयत में कौन सी सूरह में अल्लाह सुबहानहू तआला ने क्या कहा, तो ये इसको हम अपने साथ कहीं पे भी भाई वो हम लेके जा सकते हैं ना, लेकिन इसका इस्तेमाल करना वो कहाँ जायज है कहाँ पे ना जायज है उसको देखना पड़ेगा। अब जैसे हम टॉयलेट में जा रहे हैं तो कोई हाफिज से भाई वो कुरान होगा, अब वो टॉयलेट के अंदर बैठ के बैतुल खला में भाई वो सूरह बकरा तो पढ़ेगा नहीं, ठीक, इसी तरीके से जिसके पास फोन है और फोन के अंदर भाई वो कुरान है, अब वो ऐसा तो नहीं है क्या चलो यार गाने पिक्चर देखने से अच्छा ही है लो यार मतलब जितनी देर हम पखाना कर रहे हैं उतनी देर लो हम कुरान पढ़ लें, तो ये तो कोई पागली ऐसा करेगा। मोबाइल में कुरान इसलिए आदमी रखता है कि जब उसको भाई टाइम मिले, वो रास्ते में हो, बस पे हो, गाड़ी पे हो या अपने रूम में हो, तो अपने फोन को एकदम आराम से उठाए, अगर जिसको देख के पढ़ना आता है वो अपने फोन में ही खोल के देख के पढ़ ले, जिसको सुनना हो वो अपने भाई अपने कान में भाई आराम से हेडफोन लगा के आराम से अल्लाह का कलाम सुने, उसको समझे, उसको याद करे, तो उसमें मुश्किल क्या है? सब अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज रोज हो रहा है कि आपकी तबीयत सही हो गई, ये बताइए आप। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत एकदम ठीक हो गई, बस वो थोड़ा अफ्तार के बाद वही शरबत पी लिया था, थोड़ा मतलब ठंडा था तो वही खांसी आसी आने लगी। अल्लाह आपकी खांसी को दूर करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक रखे, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, अफ्तार का टाइम हो रहा है, मतलब वही हाँ, क्या बोलते हैं, शहरी सहरी का टाइम हो रहा है, जाए कुछ जी, बना ले मैगी वैगी। अच्छा मैगी खा दे। हाँ भाई मुझे मैगी बहुत पसंद है, मैगी अंडा बस अपने हाथ से बनाता हूँ, फटाफट खा पी के एक बोतल पानी पी के सो जाता हूँ नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ के सो जाते हैं। मैगी तो हमें भी बहुत पसंद है। माँ तो आइए कभी खिलाएं अपने हाथ की स्पाइसी मैगी, मजा आ जाएगा आपको। कहाँ कहाँ आना होगा बताइए, आपसे तो मिलने के हमें बहुत अरे जो है इंतजार है। बिल्कुल मिलिए भाई, कहीं दूर थोड़ी ना रहते हैं, यूपी इलाहाबाद में रहते हैं, कभी भी आइए, आइए हमारे घर खाने पर आइए, साथ में खाना खाइए, उठिए इंशाल्लाह बैठिए लेटिए, क्या इंशाल्लाह दिक्कत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आपका बरेली नहीं आना होता है? भाई बरेली आना तो होता है लेकिन पिछले मतलब कुछ सालों से वहां पे आया नहीं हूँ, लेकिन बरेली वाले लोग बहुत मतलब भाई परेशान किए हुए हैं बरेली मुझे, और परेशान तो बहुत सोचते कर बस दिए। जहां पावे उसको कच्चा चबा जाए। ये बात सही है, मैंने सुना है, बहुत सुना है मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग पे। पहले ऑनली कॉल रिकॉर्डिंग था आपको, मैं आपको तो बंद हो गया, मुझे तो भी बंद कर दिया और शायद चलता ही है। जी ठीक है, अच्छा रखते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके, अस्सलाम अच्छा वालेकुम, बारे में तो